नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरोग्य लाइफ। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए बेहद ही रोचक कथा, कुछ उनसे सीखने के लिए, समझने के लिए और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। हनुमान जी हम सभी जानते हैं अदम्य वीरता, इतना साहस और इतनी ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, और उसके बाद भी इतना ज़्यादा धीर होना और गंभीर होना और ऐसी विनयशीलता, वो कहाँ से लाते हैं हम नहीं जानते और समझ भी नहीं सकते। बहुत रोचक कथा। एक बार भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान हनुमान जी के द्वारा दी गई उनकी सहायता से अभिभूत उठते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, संकट के समय तुमने मेरी इतनी सहायता की है, उसे याद करके आज मैं गदगद हो उठा हूँ। सीता जी का पता लगाने का जो दुष्कर कार्य तुमने किया, तुम्हारे बिना असंभव था। लंका जलाई, रावण का अहंकार तोड़ा, वह कार्य अपने आप में इतना अनूठा था जिसे कोई कर नहीं सकता था। घायल लक्ष्मण के प्राण कैसे बचते, यदि तुम संजीवनी नहीं लाते तो क्या होता। इन सारी बातों को याद करके, हे हनुमान, आज मैं तुम्हें कहता हूँ, सुन सुत तेरे समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन उधारी। यानी के कोई भी देवता, मुनि, ऋषि या इंसान, जैसा उपकार तुमने किया वैसा कोई उपकार करने वाला कोई शरीरधारी मेरे समक्ष नहीं है। मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, तुम्हारा ऋण कभी नहीं उतार सकता। और सीता जी भी कहती हैं, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हनुमान, हे पुत्र, मैं तुम्हारे उपकारों के बदले में तुम्हें दे सकूं। राम जी फिर कहते हैं, जैसे कि हनुमान तुम स्वयं ही बताओ, मैं तुम्हारे अनंत उपकारों के बदले में तुम्हें क्या दूं जिससे कि मैं ऋण मुक्त हो सकूं। हनुमान जी पूरी विनम्रता के साथ हर्षित होकर, प्रेम से व्याकुल होकर उनके चरणों में अपना सर रखते हुए कहते हैं, हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। ये जो अभिमान है, जो प्रशंसा यानी कि किसी की भी तारीफ से पैदा होता है, ये जो अभिमान है ये मेरे शत्रु की तरह है। ऐसा न हो कि ये अभिमान रूपी शत्रु मेरे सारे सत्कर्मों को, मैंने जो भी सेवा भाव से आपके चरणों में किए हैं उनको नष्ट कर डाले। प्रशंसा यानी कि तारीफ को सुनना ऐसा दुर्गुण है जो अभिमान पैदा करता है और तमाम संचित पुण्यों का नष्ट कर डालता है। यह कहते कहते हनुमान जी श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं। तो आप देखिए कि हम लोग यानी कि आज के युग में हम लोग छोटा सा कार्य करते हैं और यदि कोई हमें उसका क्रेडिट ना दे, कोई हमारी तारीफ ना करे, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। और हनुमान जी की तरफ देखिए, उनकी विनयशीलता को देखिए, जिसको देखकर श्री राम भी हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय हो कह उठे। शुक्रिया दोस्तों, ऐसी रोचक कथाओं के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, और सुनने के लिए और देखने के लिए थैंक यू।